सत्यवती अनुकूल हो गई, पाराशर का मिलन हुआ। समय बीतने पर यमुना के द्वीप में ही एक पुत्र हुआ। तेजस्वी वह पुत्र जन्म ले, बढ़कर आगे खड़ा हुआ। बोला सत्यवती है माता, हूँ वेद व्यास तेरा बेटा। काम तुम्हारा पूर्ण हुआ माँ, जाओ माते घर जाओ। जब कोई आवश्यकता हो याद करो माँ भुलवाओ। सत्यवती माँ पुत्र देख कर मन ही मन मुस्काती है। देखकर आशीर्वाद पुत्र को, फिर अपने घर जाती है। जन्मे भगवान वेद व्यास गुण गाए ये संसारा, जन्मे भगवान वेद व्यास गुण गाए ये संसारा। देवी भागवत सुन लो मन का मिटे सभी अंधियारा। जय 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 अंबे, जय जय जगदम्बे। ऋषियों के पूछने पे सूत ने अद्भुत कथा सुनाई थी। सत्यवती निषाद पुत्री कैसे शांतनु को व्याही थी। राजा शांतनु पूर्व जन्म में महाविष्णु नाम के राजा थे। अश्वमेध बाज पे यज्ञ कर राजा इंद्र को प्रसन्न किए। एक समय की बात महाविष्णु ब्रह्मा जी के भवन गए। ब्रह्मा जी की सेवा में सकल देवता बैठे थे। उसी सभा में ब्रह्मा की बेटी गंगा जी भी बैठी थी। का मिटे सभी अंधियारा। जय 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 अंबे, जय जय जगदम्बे। राजा महाविष्णु निर्भय होकर गंगा जी को देख रहे थे। बुद्धिमती गंगा जी के भी नयनूनी को देख रहे थे। दोनों प्रेम के बंधन में मन ही मन में थे जैसे बंधे। ब्रह्मा जी ये देख रहे थे, क्रोधित होकर शाप दिए। गंगा को भी शाप दिया, रहे। उसी समय आठों वसु आए अपनी नारियों के संग में। वशिष्ठ जी के आश्रम गए भ्रमण किए। संग संग में प्रधान वसु थे द्यौ नामक। वशिष्ठ का आश्रम वो देखे, का मिट
ते सभी अंधियारा जय 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 अंबे जय जय जगदम्बे जब नंदिनी गाय को देखी कामधेनु गा ये किसकी है अपने पति से फिर पूछी द्यौ ने कहा ये नंदिनी गौ है मुनिवर वशिष्ठ जी की इसका दूध जो पी ले वह हो हजार दीर्घ जीवी ये सुनकर द्यौ की पत्नी के मन में लालच आ गई अपनी एक सहेली के लिए उसने गाय चुरा ली वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया देखा चोर और कोई नहीं वशिष्ठ मुनि की नंदिनी पूजे जिसे जग सारा गाय वशिष्ठ मुनि की नंदिनी पूजे जिसे जग सारा देवी भागवत सुन लो मन का मिटे सभी अंधियारा जय जय